जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें राज्य सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कानून लागू करने एवं न्यायधानी बिलासपुर में सभी न्यायिक प्राधिकरण अधिकरण की स्थापना करने और अधिवक्ताओं को बीमा मेडिकल सुविधा देने एवं भूमि प्रदान करने अधिवक्ता संघ ने राज्य सरकार से मांग की है। जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर में धरना प्रदर्शन करने के बाद सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं के द्वारा पैदल चलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी किया गया। इसके बाद कलेक्टर राजीव झा ने मुलाकात करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के नाम आवेदन सौंपा गया। अधिवक्ता संघ बिलासपुर ने ये निर्णय लिया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और बिलासपुर को पूरा न्यायधानी का दर्जा देने, तमाम प्राधिकरण अधिकरण की स्थापना यहाँ करने, अधिवक्ताओं का बीमा, उनको मेडिकल सुविधा कराने, तमाम बातों को लेकर आवासीय प्लाट के लिए शासकीय दर पर जमीन देने, तमाम मांगों को लेकर हम लोगों ने पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, मुलाकात किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है, माननीय महामहिम राज्यपाल जी से किया है। वो मांगों को लिए निरंतर हम लगे रहे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम पुनः मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन देकर इस मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम अभी आंदोलन में बैठे हुए हैं, हम प्रतिदिन आंदोलन में बैठेंगे। अधिवक्ता संघ ने तय किया है 3 से 5 बजे हमारा समय होगा, क्योंकि हमारी रोजी रोटी है, हमारा परिवार है, पक्षकारों का प्रॉब्लम है, तो हम लोग पहले उनका काम करेंगे। 3 से 5 बैठेंगे और फिर आगे इस आंदोलन में जैसी रूपरेखा हमारी कार्यकारिणी तय करेगी वैसा हम लोग करेंगे। आज हमने कलेक्टर महोदय से मिलकर उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम का ये ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि ये ज्ञापन अति शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुँच जाएगा। धन्यवाद। चंद्रशेखर वाजपेयी, अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर। ठीक, आपकी क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा आज का ये जो आंदोलन है हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए है, और चूंकि बिलासपुर न्यायधानी है इसलिए जितने भी ट्रिब्यूनल हैं, प्राधिकरण हैं, अधिकरण हैं, उनकी स्थापना के लिए, अधिवक्ताओं के बीमा के लिए, उनकी मेडिकल सुविधा और अधिवक्ताओं के आवास के लिए शासकीय दरों पर भूमि की मांग के लिए हमारा ये आंदोलन आज से शुरू हुआ है। हमने आज कलेक्टर साहब को सीएम साहब के नाम से ज्ञापन सौंपा है और हमारे आंदोलन प्रतिदिन 3 से 5 अनवरत चलता रहेगा और हम अपनी मांग पूरी करा के रहेंगे। परिचय बताइए। कमल किशोर सिंह, सचिव जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर से अमित पाटली की रिपोर्ट।